हाय गाइस, वेलकम टू अयाना लाइफस्टाइल। आज हम एक न्यू वूलन फ्लावर डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे बनेगा तो प्लीज़ एंड तक देखें। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे डालने के लिए हम ऊन को इस तरह से डबल करेंगे। हम ऊन को इस तरह से डबल करके अंगूठे पे लेंगे और उसके बाद सीधे हाथ के फंदे की ऊन को लेकर के हम इस तरह से खींच देंगे और इसी तरह से हमें जितने फंदों की रिक्वायरमेंट है हम उतने फंदे डालते जाएंगे। मैं यहाँ पे टोटल 27 फंदे डाल रही हूँ। आप जितने चाहें उतने फंदे डाल सकते हो, इसे बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये मेरा 25वां फंदा, 26वां फंदा और 27वां फंदा पूरा हो चुका है। जो ये डिज़ाइन है वो हम 27 फंदों पे बना रहे हैं। 27 फंदों का मतलब हो गया दो दो डिज़ाइन हम साइड में छोड़ेंगे। सबसे पहले हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। उल्टी सिलाई बनाने से हमारे फंदे की फली जो है वो अच्छी दिखती है और काफ़ी नीट दिखती है। अब आप देख सकते हो प्लेन सिलाई के बाद में ये जिगजैग बॉर्डर जो है वो काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी दिखती है। आज की हमारी डिज़ाइन में जैसा मैंने पहले भी बताया, हमने 27 फंदे डाले हैं, दो दो फंदे हम साइड में एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले 5 फंदे हम वाइट ऊन से बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें ब्लैक कलर की ऊन जोड़ेंगे। अब हम सबसे पहले 4 फंदे सफ़ेद के बुनेंगे, फिर एक फंदा ब्लैक का बुनेंगे, फिर 7 फंदे हम सफ़ेद के बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब 3 फंदे हम ब्लैक के बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। अब इसके बाद 7 फंदे हम सफ़ेद के बुनेंगे, 1। और आप देख सकते हो ऊन को हम इस तरह से लगाते जाएंगे ताकि पीछे से भी फिनिशिंग आए स्वेटर में। एक बार ऊन को ऊपर से नीचे और एक बार ऊन को नीचे से ऊपर। इसके बाद एक ब्लैक का फंदा बुनेंगे और फिर 4 फंदे वाइट के बुनेंगे। और ध्यान रखें कि पीछे से भी फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। अगर ऊन ढीली कसी होगी तो पहनते वक्त उलझेगी। सेकेंड सिलाई में हम 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, फिर ये जो वाइट है उस फंदे के ऊपर ब्लैक, फिर वापस ब्लैक के ऊपर
ब्लैक और इसी तरह एक के ऊपर तीन फंदे ब्लैक कर दिए जाएंगे। फिर वाइट बुनेंगे। चार फंदे हम वाइट बुनने के बाद में ब्लैक के तीन की जगह सात फंदे कर देंगे। उसके बाद हम वाइट के चार फंदे बुनेंगे। के बाद हम तीन फंदे ब्लैक के बुनेंगे। और ये तीन फंदे हम वाइट के बुनेंगे। और आप देख सकते हो अब तक की जो बुनाई है वो हमारी कंप्लीट होके इस तरह से दिख रही है। नेक्स्ट डिजाइन में हम दो फंदा वाइट बुनेंगे। फिर तीन के ऊपर पांच फंदे ब्लैक कर देंगे। दो, तीन, चार और ये पांच। इसके बाद दो फंदे वाइट के बुनेंगे। एक, दो, फिर इस वाइट के ऊपर ब्लैक लगाएंगे। ब्लैक के ऊपर वाइट, एक, दो और तीन फंदे फिर ब्लैक के बुनेंगे। एक, दो और ये तीन, फिर ये वाइट एक, दो, फिर एक ब्लैक, फिर ये वाइट एक, दो, फिर ये ब्लैक एक, दो, तीन और ये चार और पांच। फिर ये दोनों फंदे वाइट के, एक और ये दो। अब आप देख सकते हो हमारी तीन सिलाई बनके कंप्लीट हो गई है और ये जो पैटर्न है वो इस तरह से दिख रहा है। अब चौथी सिलाई में वापस से हम एक, दो और ये तीन, यानी तीन फंदे सफेद के, अब ये ब्लैक के तीन, एक, दो और ये तीन, फिर ये वाइट का एक, फिर ये ब्लैक, ब्लैक के ऊपर वाइट, तीन फंदे सफेद, तीन ब्लैक, दो सफेद, एक ब्लैक, नौ सफेद और एक ब्लैक, दो सफेद, तीन ब्लैक, इसी तरह से हम चौथी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब आप देख सकते हो चार सिलाई बुन के ये इस तरह से दिख रहा है। अब पांचवी सिलाई में चार फंदे सफेद, एक, दो, तीन और ये चार, फिर एक ब्लैक, फिर वाइट एक, दो, फिर ये ब्लैक एक, फिर ये एक वाइट, फिर ये ब्लैक
और अब हम 7 फंदे सफेद के बुनेंगे इस तरह से। फिर ये ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट के 3 फंदे, फिर एक ब्लैक और 4 फंदे वाइट। आप देख सकते हैं 5 सिलाई बुनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम छठी सिलाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। छठी सिलाई में 1, 2, 3 और 4 फंदे सफेद के बुनेंगे, ब्लैक के ऊपर ब्लैक, वाइट के ऊपर वाइट, 1 वाइट 3 ब्लैक, एक वाइट, 5 फंदे बुनेंगे, फिर एक ब्लैक, फिर ब्लैक के ऊपर 1 वाइट और वाइट के ऊपर ब्लैक, अब 1 वाइट 1 ब्लैक और 1 वाइट 1 ब्लैक और ये 4 फंदे वाइट के हम आगे बुनेंगे। और आप देख सकते हो 6 बुनाई बनके पूरी हो गई है। और अब हम आगे, जैसे मैं आपको अभी तक बताते आ रही हूँ, वैसे हम आगे 7, 8, 9 और ऐसे आगे लाइनें बुनेंगे। ये टोटल 13 सिलाई का डिज़ाइन है। 7वीं सिलाई में आप देख सकते हो 3 फंदे सफ़ेद, 1 ब्लैक 1 वाइट 1 ब्लैक 1 वाइट, 5 ब्लैक 3 वाइट 5 ब्लैक 1 वाइट 1 ब्लैक 1 वाइट 1 ब्लैक 3 वाइट। इस तरह से हमने 7वीं सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। अब बढ़ते हैं 8वीं सिलाई की तरफ। ये 8वीं सिलाई बुन के कंप्लीट हो गई है। 8वीं सिलाई में 4 फंदे सफ़ेद, 1 ब्लैक 1 वाइट 1 ब्लैक 1 वाइट 3 ब्लैक 5 वाइट 3 ब्लैक 1 वाइट 1 ब्लैक 1 वाइट 1 ब्लैक और 4 वाइट हमने बुने हैं। इस तरह से हमारी 8वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम बढ़ते हैं 9वीं सिलाई की तरफ। ये हमारी 9वीं सिलाई बुन के कम्प्लीट हो गई है। 9वीं सिलाई में हमने 4 वाइट 1 ब्लैक 2 वाइट 1 ब्लैक 1 वाइट 1 ब्लैक, 7 वाइट 1 ब्लैक 1 वाइट 1 ब्लैक 2 वाइट 1 ब्लैक और 4 वाइट हमने दिया है। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बढ़ती चले जाएगी और हम टोटल 13 बुनाई बनेंगे। अब हमारी 10वीं सिलाई बुन के कम्प्लीट हो गई है। 10वीं सिलाई के लिए 3 वाइट 3 ब्लैक 2 वाइट 1 ब्लैक 9 वाइट 1 ब्लैक 1 वाइट 1 ब्लैक 2 वाइट 1 ब्लैक और 3 वाइट से हमने इस पूरी लाइन को कंप्लीट किया है। अब बढ़ते हैं 11वीं सिलाई की तरफ। 11वीं सिलाई में हमने 2 वाइट 5 ब्लैक 2 वाइट 1 ब्लैक 2 वाइट 3 ब्लैक 2 वाइट 1 ब्लैक 2 वाइट और 5 ब्लैक और 2 वाइट से हमने इस लाइन को ख़त्म किया है। अब बढ़ते हैं 12वीं सिलाई की तरफ। 12वीं सिलाई में एक चीज़ का ध्यान दें, जिस तरह से हमने सेकेंड लाइन बुनी थी उसी तरह से हम 12वीं लाइन भी बुनेंगे। इसमें 3 वाइट 3 ब्लैक 4 वाइट 7 ब्लैक 4 वाइट 3 ब्लैक और 3 सफ़ेद लाइन से हम इस लाइन को कम्प्लीट करेंगे। बढ़ते हैं 13वीं सिलाई की तरफ। 13वीं सिलाई हम फर्स्ट लाइन के जैसे 13वीं को बुनेंगे, सेम टू सेम। देख सकते हो 13वीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। इसमें 4 सफ़ेद 1 ब्लैक 7 सफ़ेद 3 ब्लैक
सात सफ़ेद, एक ब्लैक और चार सफ़ेद हमने इसमें बुना है। इस तरह से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। इसको आप कोई भी स्वेटर में बॉर्डर के रूप में बना सकते हो, चाहे खड़ी पट्टी डाल सकते हो किसी स्वेटर में, जैसे आप चाहें वैसे आप इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।